Welcome to In Business Studies class. You are doing topic partnership and till now we have done meaning, definition, features and types of partnership. So today we are doing merits and demerits of partnership. Partnership का evaluation करेंगे किन point of view से partnership फायदे वाली होती है, अच्छी होती है, beneficial होती है और किन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेनिफिशियल नहीं होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर सेम एज सोल ट्रेडरशिप की तरह ही इसको स्टार्ट करना बहुत इजी होता है क्योंकि इसमें कोई भी बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज को फॉलो नहीं करना पड़ता है. रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, इट्स नॉट कंपल्सरी. तो इजिली इसको बनाया किया भी जा सकता है, पार्टनरशिप को स्टार्ट किया जा सकता है, वाइंड अप भी इजीली किया जा सकता है, बहुत इजी मेथड से इसको क्लोज किया जा सकता है. ठीक है, आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ वो कभी भी बंद की जा सकती है. बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, तो इसमें सभी पार्टनर्स मिलकर किसी भी चीज के लिए डिसीजन लेते हैं, तो जो भी डिसीजन आता है सबके फेवर में होता है, सब एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एग्री होकर उस डिसीजन को लेते हैं, तो बैलेंस्ड डिसीजन होता है. ठीक है, तो डिसीजन इज ऑलवेज बैलेंस्ड. नेक्स्ट इज मोर फंड्स. एज इन सोल ट्रेडरशिप ओनली वन पर्सन इज देयर हु इन्वेस्ट कैपिटल इन बिजनेस. तो बिजनेस में एक अकेला पर्सन जो कैपिटल लगाता है, लेकिन इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो बहुत से होते हैं. दैट मीन्स 2 to 50 पार्टनर्स हो सकते हैं. अगर 2 to 50 पार्टनर्स है, अगर हर एक पार्टनर कैपिटल लगाएगा तो ऑब्वियस है कि जो फंड्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो बाहर से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ रिस्क. सोल ट्रेडरशिप में पूरा का पूरा रिस्क एक ही पर्सन का होता है, दैट इज सोल ट्रेडर. लेकिन पार्टनरशिप में ये रिस्क सब में इक्वली डिवाइड हो जाता है या प्रपोर्शनेटली डिवाइड होता है. उनका एक प्रपोर्शन होता है, रेशियो होता है जिसके अकॉर्डिंग वो डिवाइड होता है. नेक्स्ट है सीक्रेसी. इसमें भी सीक्रेसी का पॉइंट रहता है क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो मिलकर लेते हैं, सब म्यूचुअली एग्री होते हैं, इसलिए वो जो डिसीजंस होते हैं वो सीक्रेट ही रहते हैं. नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप. डीमेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी. पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. जब भी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व किया जाता है तो सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर्म की एसेट्स को सेल किया जाता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज को पे करने के लिए. इसके बाद जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण, क्योंकि जो जनरल पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. और ये भी कंपलसरी होता है कि हर एक पार्टनरशिप में कम से कम एक पार्टनर जनरल पार्टनर होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, तो उसकी पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी आउटसाइड लायबिलिटीज को पे किया जा सकता है. तो ये इसकी लिमिटेशन होती है कि इसमें पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड भी होती है. सेकेंड है लिमिटेड रिसोर्सेज. अगर बिजनेस को बहुत बड़े स्केल पे करना चाहते हैं, इन दैट केस 50 पार्टनर्स के जो फंड्स होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते हैं, तो वहां पर रिसोर्सेज के लिए हमें बाहर वाले इन्वेस्टर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है. जैसे कंपनी शेयर इशू करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है, इसमें हम 50 से ज्यादा पार्टनर्स एड नहीं कर सकते, तो ये एक लिमिटेशन बन जाती है कि 50 पार्टनर से जितना फंड आएगा वो उतना ही आएगा. हम ना तो इसके शेयर्स इशू कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी कर सकती है शेयर्स इशू जिससे वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पैसा कलेक्ट कर सकती है. लेकिन पार्टनरशिप में सिर्फ 50 पार्टनर्स होते हैं जो मैक्सिमम पार्टनर होते हैं, इससे ज्यादा पार्टनर्स हम इसमें नहीं ले सकते, तो हमारे फंड्स भी लिमिटेड हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है लैक ऑफ हार्मनी. अगर उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है या फिर उनके बीच में कोई हार्मनी नहीं है और इनके बीच में कॉपरेशन नहीं है, कॉपरेट नहीं करते एक दूसरे को, तो उनके बीच में लैक ऑफ हार्मनी आ जाती है. एक दूसरे की बात को काटते हैं कि मेरी ही बात सुनी जाए, तो वहां पर उनके बीच में कंफ्लिक्ट रहता है, तो कभी भी वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है. नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी. इसमें भी यही है, पार्टनरशिप में क्योंकि हम प्रायर नोटिस देकर पार्टनरशिप को कभी भी खत्म कर सकते हैं, पार्टनर्स को ये राइट होता है,
तो कोई भी पार्टनर जो म्यूचुअली अग्री नहीं होता किसी पॉइंट से, तो वो प्रायर नोटिस देके उस पार्टनरशिप को खत्म कर देता है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप जो है वो कंटिन्यूशन में नहीं चलती, वो बंद हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम पार्टनर्स, कुछ पार्टनर्स की वजह से वो बंद करनी पड़ जाती है, क्योंकि वो म्यूचुअली एग्री नहीं होते किसी बात पर। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ पब्लिक फेथ, लोगों का विश्वास नहीं होता, क्योंकि लोगों का विश्वास तभी बनता है जब वो अपने अकाउंट्स को पब्लिकली शो करता है। जैसे कि कंपनी है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट वो जो अकाउंट्स होते हैं कंपनी के वो पब्लिश किए जाते हैं, पब्लिश अकाउंट होते हैं, इसलिए लोगों को पता होता है कि कंपनी में कितनी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, कंपनी का प्रॉफिट लेवल कैसा है, उसका प्रॉफिट ट्रेंडिंग, प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, वो सब पता होता है, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं अपने अकाउंट्स को एनुअली पब्लिश करती हैं। लेकिन पार्टनरशिप में ये कंपल्सरी नहीं होता कि अपने अकाउंट्स को पब्लिश किया जाए, तो लोगों का जो विश्वास होता है बहुत ही कम होता है। तो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इस इवेल्यूएशन के बेसिस पर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि पार्टनरशिप के थ्रू होना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐसा बिजनेस, क्योंकि हम लिमिटेशंस के बेसिस पर ही देखते हैं कि पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सबसे पहला होता है कि हमें बहुत जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बिग साइज बिजनेस है, उसके लिए पार्टनरशिप नहीं है। अगर हम बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, वहां पे कंपनी काम करती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप जो है वो सुटेबल होती है छोटे बिजनेस के लिए, नॉट फॉर द बिग साइज बिजनेस, ठीक है। और जहां पर और जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी सबकी अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, कुछ पार्टनर्स ऐसे होने चाहिए जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो, और इसके अलावा उनके बीच में म्यूचुअल फेथ होना चाहिए, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो पहले से ही डिसाइड किया जा चुका होना चाहिए, और सब म्यूचुअली एग्री होकर ही उस पार्टनरशिप को करें, और वो पार्टनरशिप अगर लीगल है तो ही वो पार्टनरशिप की जानी चाहिए। तो कुछ कंडीशन को फॉलो करके वो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस, ओके। सो दिस वॉज द इवेल्युएशन पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।